बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में फोर्टनाइट गेम को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर प्ले स्टोर में भी तो ये आपको गेम नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर फोर्टनाइट गेम में यहाँ पर सर्च करूँ तो ये पबजी वगैरह और बाकी तमाम की तमाम गेम्स आ जाती हैं, लेकिन फोर्टनाइट आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो हमारा फ़ोन है इसमें सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ से भी डाउनलोड करेंगे किसी भी ब्राउज़र से तो भी आपको इशू बन सकता है। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा, आप इसके डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कैसे कर पाएंगे, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। तो जो 100% वर्किंग है, आप पूरे कंप्लीटली तौर पर आपने मेरी वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आसिफ टेक प्रो। अगर किसी किस्म का इशू आप कॉमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया हुए चलते हैं, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपको लिंक एक मिलेगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लिंक जो है ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपने इसको कर ब्राउज़र आपने कोशिश ये करनी है कि ब्राउज़र जो आपके पास हो वो गूगल क्रोम हो, ठीक है। तो आपने वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करना है और गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उस लिंक को पेस्ट कर दिया, उसके बाद गो पे क्लिक कर दिया। अब इस तरह का ऐड जाए शो नोटिफिकेशन को, तो आपने ब्लॉक कर देनी है। अब ब्लॉक करने के बाद आपने करना ये है कि प्लीज़ वेट, तो ये वाला ऑप्शन आएगा स्किप दिस ऐड, तो यहाँ पर क्लिक करना है। एक न्यू टैब ओपन होगा, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। तो फिर जो पिछले वाला टैब रह जाएगा वो आपको इस तरह के पेज में ले आएगा। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि आपने स्क्रॉल नीचे करना है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो स्टेप टू लिखा हुआ है, डाउनलोड फाइल एपीके फोर्टनाइट जो भी वर्जन है, यहाँ पर फिक्स हेयर, ठीक है। तो फिक्स हेयर पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। और जो अगर आप ड्राइव से डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, या मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर गूगल क्रोम को ही सेट कर देता हूँ। फिलहाल आपको बताता हूँ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्रोम के जरिए से ही। तो यहाँ पर मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे भी डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और ऊपर भी, यहाँ पर ऊपर पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्रोम पर ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ इशू है, यानी कि आपके फ़ोन को ये डैमेज कर सकती है, लेकिन कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ कंटिन्यू डाउनलोड एनी वे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी डाउनलोडिंग अगर करना चाहते हैं स्टार्ट, तो डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैं आगे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारी फ़ाइल का ये डाउनलोडिंग शुरू होगी। ये 170 MB की फ़ाइल है, तो आपने इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसकी फाइल देख सकते हैं 183 MB की है, ठीक है। तो मैंने पहले इसे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आपने जस्ट इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करना है इस तरह करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फोर्टनाइट ही गेम है, ठीक है। आपको प्ले स्टोर और आगे पीछे से ये नहीं मिलेगी। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, यहाँ पर मैं आपको डिवाइस भी दिखा देता हूँ, मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 7 मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा क्योंकि इस फ़ोन में भी ये वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ और वापस मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है। तो वापस बैक जाकर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास जो गेम है यह आ चुकी है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अलाउ करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह का आपको ऑप्शन आए, तो आपने बस ओके पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बताएगा ये 6 GB की, 7 GB की, जितनी MB GB की यहाँ फाइल है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट लेना लाजमी है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें बता रहा है अपडेटिंग साइज 7 GB का है, आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से ये डाउनलोड करेगा। तो आपका जो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तरीका बता दिया आप इसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, उन फोन्स में जिसमें सपोर्ट नहीं करती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर किसी को का इशू आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चैनल आसिफ टेक प्रो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।